नमस्कार, देवभूमि क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार में भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन ने बाईपास रेल मार्ग के चक्का जाम और लोकसभा चुनाव बहिष्कार की रणनीति की तैयार। खाकी और खादी को भी दी चुनौती। बड़ी खबर लक्सर से आ रही है, जहां कई वर्षों से बाईपास रेल मार्ग की रेलगाड़ियों के लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव और मुख्य द्वार की व्यवस्था को लेकर क्षेत्र के अनगिनत संगठन मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में भी सियासी दिग्गजों और लगभग क्षेत्र के तमाम रसूखदारों ने रेलवे और सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाकर मात्र असफलता और आश्वासन का ही ढिंढोरा पीटा है। वहीं कुछ महीनों पूर्व अनगिनत संगठनों से मिलकर गठित हुई संयुक्त संघर्ष समिति भी रेलवे और सरकार के समक्ष इसे लेकर नाकाफी साबित हो चुकी है। मगर लक्सर क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों के रूप में रेलवे से जुड़ी इन मांगों को लेकर कई वर्षों से जारी इस सियासी उठापटक से परे होकर अब भारतीय किसान यूनियन रेलवे और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का मूड बनाकर अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं। दरअसल आज दोपहर 3 बजे लक्सर के पुरकाजी मार्ग स्थित भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र अधाना के आवास पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें तोमर किसान संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे से जुड़ी मांगों की बाबत उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से सफल वार्ता हो चुकी है, जहां सलाह के तहत पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। यदि सरकार इसका शीघ्र समाधान नहीं करती है तो एक विशाल आंदोलन का आगाज कर बाईपास रेल मार्ग का चक्का जाम और आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी सुनिश्चित कर लिया गया है। वहीं संगठन के जिला उपाध्यक्ष नकली सिंह पवार के मुताबिक उनका अग्रिम कदम बाईपास रेल मार्ग की रेलगाड़ियों को लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लाने का निर्धारित हुआ है। यदि रेल प्रशासन इसका समाधान नहीं करता है तो क्षेत्र के बाईपास रेल मार्ग पर हुक्का और चारपाई के साथ डेरा डालकर चक्का जाम करेंगे और मसला हल नहीं होने पर लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार रहेगा। इसके अलावा संगठन में मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सोलर सिंह चौधरी के मुताबिक लक्सर रेलवे स्टेशन से 2 विधानसभा क्षेत्रों का सीधा संबंध होने के बावजूद भी रेलवे के इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हुई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन अल्टीमेटम देती है कि रेलवे इसमें यदि सहयोग करती है तो अच्छी बात है, अन्यथा सरकार और नेताओं का बहिष्कार होगा और नेताओं को क्षेत्र में कतई घुसने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने खाकी और सफ़ेद पोशाक का जिक्र करते हुए पुलिस बल और नेताओं को भी देख लेने की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि हम देखेंगे कि अब हमें चक्का जाम और चुनावी बहिष्कार से कौन रोकेगा। इस दौरान संगठन के प्रदेश महासचिव सुनील फौजी ने ऐलानिया तौर पर कहा है कि किसानों की रणनीति तैयार हो चुकी है, रेलवे से जुड़ी मांग पूरा नहीं होने पर रेल का चक्का जाम करके दिखाएंगे और सरकार भी फोर्स जितनी हो उतनी तैनात करने की तैयारी कर ले, हम तन मन धन से प्रबल रणनीति के तहत इस काम को अंजाम देने जा रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र अधाना ने भी आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए कहा है कि लक्सर में सौंदर्यीकरण का नाम लेकर अरबों खरबों का आर्थिक खर्च करने के बावजूद भी रेलगाड़ियों की पर्याप्त ठहराव अथवा व्यवस्था नहीं है, मगर अब संगठन बाईपास रेल मार्ग पर ताम झाम लेकर डेरा डालने जा रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अब वह भी देखेंगे कि आखिर खाकी में कितना दम है। इसमें हमने बात की है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने, और उनसे हमने सुलह भी कर लिया, रणनीति भी इस पर बन चुकी है। अगर इसे जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन सरकार सॉर्ट आउट नहीं करती है मामले को, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम यहाँ करेंगे और रेलवे का जो बाईपास है उसका चक्का भी जाम करने का काम करेंगे। उसकी रणनीति बनाकर हमने तैयार कर दी है और चुनाव से पहले अगर ये नहीं करते हैं तो हम चुनाव में भी बहिष्कार करेंगे। देखिए माननीय, हमारी रणनीति बनकर तैयार हो चुकी है सभी किसानों की, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा रेल का मुद्दा है ये बहुत ज्वलनशील है, जल्द से जल्द अगर ये सोल्व नहीं हो रहा है तो हम एक रणनीति के तहत एक बड़े उग्र आंदोलन को तैयार करके जो हमारा रेलवे बाईपास है वहां पर चक्का जाम करने का काम करेंगे, और जिसको भी जितनी फोर्स लगानी है या जिसको भी जिस तरीके से हम रोकना वो रोक के दिखाएं। हम जो करेंगे वो पूरी रणनीति के तहत तन मन धन से करेंगे। हमारा ये अग्रिम कदम ये होगा कि हम किसान तोमर जो है हमारी संगठन, इससे हम जुड़े हुए हैं और जिला अध्यक्ष का हम हमारे पर पद है, जो रेल जो है बाईपास जाती है उस रेल को हम लक्सर से जुड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं सरकार जोड़ती है तो हम यहाँ पर बाईपास पर
होक्का पर बैठ जाएंगे लेकिन हटने के नहीं, और रेल मंत्री तक भी चाहे हमें जाना पड़ो लेकिन किसानों को ये रेल बाईपास से रोक कर लक्सर स्टेशन तक रुकवा कर चलाएंगे, ये हमारा वादा है। हमारी ये रूपरेखा है, अगर कोई भी यहाँ चुनावी नेता आता है तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, उसको लक्सर में घुसने नहीं देंगे इतना तक हमारी रेल का मुद्दा हसल मतलब मसला नहीं हासिल होता। ऐसा है, इस रेलवे स्टेशन से दो विधानसभा जुड़ती है, लक्सर और खानपुर। इस पर बहुत बड़ी राजनीति हो चुकी है, बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, लेकिन हमारा संगठन जो बाईपास से होते रेल निकलती है, हमारा संगठन उनको लक्सर से होते हुए संचालित करने का काम कराएगा। और इसमें अगर सरकार हमारा सहयोग करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम यहाँ पर सरकार का नेताओं का बहिष्कार करेंगे, किसी को क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। रेलवे बाईपास पर हम अपने जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं अपना हुक्का भी रखेंगे, खाट भी रखेंगे, और खाकी को भी देखेंगे और सफेद पोशाक को भी देखेंगे, कौन संगठन को रोकता है। संगठन क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेगा और करता रहेगा।